हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एक सेटअप टूर देना चाहता हूँ। तो कुछ दिन पहले ही मैंने अपने सेटअप को थोड़ा अपग्रेड किया है, तो दिखाता हूँ आप सबको। तो सबसे पहली चीज़, मैं अपना कमरा एक बार दिखा दूँ। तो कमरे में सबसे पहले एंटर होकर अलमारियों पर मैंने यही लगा दी है। पहला सबसे पहले ये था, ठीक है। उसके बाद ये बनाया, उसके बाद ये बना दिया, फिर उसके बाद ये बनाया, फिर उसके बाद वो बनाया, फिर ये बनाया। बाकी यहाँ टेबल, बेड, और यहाँ ये मेन मेरा सेटअप। ये कैमरास भी लगे हुए हैं। ये एसर का 720p मॉनिटर, ये है कैडमस का। ये इसकी मैं आपको एंड पे स्पेसिफिकेशन बोल बताता हूँ। ये डेल का एक कीबोर्ड, माउस, जिसका मैंने अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग भी डाली है। ये माउस पैड एक सादा सा, और ये चेयर न्यूली है, ये लेदर पोशिश चेयर है, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैंने अपना पर्दे के साइड से भी लगाया ताकि आवाज़ वगैरह भी कोई यानी कि मसला ना आए। बाकी ये रहा मेरा हॉक का G2000 हेडफोन। बहुत अच्छा हेडफोन है वैसे, इसकी माइक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अलबत्ता इसकी बात करते हैं पीसी की। तो पीसी है मेरा कैटमस का, इसका केस है, और इसके अंदर लगी है 8 GB रैम, 500 GB हार्ड, 128 GB की SSD, और इंटेल कोर i5 3rd जनरेशन। मुझे पता है थोड़ा पुराना है, लेकिन हाँ ये फिर भी गेम को बिल्कुल परफेक्ट चलाता है। और इसमें GPU कौन सा लगा है? GPU इसमें एक ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 2 GB का रेडियन R430, आप सर्च कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। बाकी इसके अलावा मैं इस पर गेम्स वगैरह कौन सी खेलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस पर माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, या पॉपी प्ले टाइम खेल ली, या ऐसी कोई थोड़ी बहुत ही हैवी गेम्स। बाकी ग्राफिक्स कार्ड की वजह से बहुत अच्छा चलाता है। माइनक्राफ्ट के तो 200 FPS आ जाते हैं बड़े आराम से। ये एवरेज सा गेमिंग PC बनवाया हुआ है। बाकी इसके अलावा नीचे कैमराज हैं। एक चीज़ दिखाना छोटी सी भूल ही गया, यहाँ ये मैंने छोटी सी घड़ी लगाई है, ये डिजिटल क्लॉक है, चलाई नहीं हुई। इसके साथ एक अडाप्टर लगता है जो मैंने अभी लगाया नहीं हुआ, इसके पीछे ही केबल है। ये भी आपको दिखाता हूँ, ये जो छोटी सी ये चीज़ निकल रही है, क्या है ये देखें, लगाई नहीं हुई। बाकी ये क्या चीज़ है, मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके इसके बैक साइड में एक माउस, RGB माउस का ब्रेन लगा दिया है। मेरे पास एक पुराना RGB माउस पड़ा हुआ था, तो ये उसकी RGB लाइट है। तो ना ये जब चलता है तो यहाँ जो है ना पूरा एक सर्कल बनते हैं RGB लाइट्स के। बाकी मैं आपको जो है ना एक बार से स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मॉनिटर का बटन ऑन कर दिया, उसके बाद ये देखें एसर, देन यहाँ एक बटन है स्टार्ट का, इसको जैसे ही दबाऊँगा ये देखें, वो देखें पीछे येलो येलो ये लाइटिंग बन जाती है। MSI टॉप क्वालिटी स्टेबिलिटी मेन बोर्ड, MSI का इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है। 400 वाट की पावर सप्लाई है, और ये हमारी स्क्रीन ऑन हो गई। अब मैं आपको एक बार लाइट्स ऑफ करके इसका लुक दिखाता हूँ। ये देखें क्या लग रहा है, चेयर नहीं बस नज़र आ रही, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे लाइट्स चल रही हैं, अंधेरा है पूरे कमरे में, मज़ा आ जाएगा भाई गेम खेलने में। सो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अहमद_गेमर, साथ बेल आइकन भी दबा देना। आज की इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय।